Hello everyone. So in human physiology we have completed four systems. ठीक है, कौन कौन से फिनिश कर लिए हमने? डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड रिसेंटली हमने फिनिश किया था लोकोमोटरी सिस्टम. अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब है, जो ये वर्ड एक्सक्रीटरी है ये रिलेटेड होता है एक्सक्रीशन से. एक्सक्रीशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रिमूव करना या फिर बाहर निकालना. ठीक है, अब हमारी बॉडी में से, जब हम अपने सिस्टम्स के बारे में बात करें, तो हमारी बॉडी में से हम बहुत सारे से सब्सटेंस हैं जो हमारे लिए हार्मफुल रहते हैं या फिर यूजलेस रहते हैं, तो हम उन्हें बॉडी में तो नहीं रख सकते. इसके लिए हमारी बॉडी में एक फुल कंप्लीटेड सिस्टम होता है जो क्या काम करता है. द सिस्टम बाय विच वेस्ट और हार्मफुल मटीरियल्स रिमूव्ड आउट इन फॉर्म ऑफ यूरिया, अमोनिया एंड यूरिक एसिड. ठीक है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के प्रोडक्ट्स हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी बॉडी से रिमूव होते हैं. यूरिया, इनके अलग अलग फॉर्म्स इसलिए हैं क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं. जो एक्सक्रीशन है वो ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट के अकॉर्डिंग रिमूव होते हैं. जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स है या जो जिनके पास वाटर एडिक्वेट अमाउंट में अवेलेबल है, उनका रिमूविंग मटेरियल होगा यूरिया. जो वाटर एनिमल्स हैं, जिनके पास वाटर एक हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है अमोनिया. वहीं बर्ड्स वगैरह हैं जिनके पास वाटर, जो वाटर कैरी नहीं कर सकते, उनके लिए होता है यूरिक एसिड. ओके, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं और इनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होने का रीज़न सिर्फ ये है कि उनकी हैबिटेट कैसी है. उसके बाद मेन फंक्शन इज परफॉर्म्ड ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम बाय किडनी. वैसे तो जो मेन फंक्शन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो किडनी परफॉर्म करती है, लेकिन हमारे कुछ और ऑर्गन्स भी हैं जो एक्सक्रीशन में हमारी हेल्प करते हैं और उनका एक्सक्रीशन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बट सम अदर पार्ट्स ऑल्सो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल आर स्किन, लिवर एंड लंग्स. इनके जो फंक्शंस हैं वो हम लेटर बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि ये क्या क्या प्रोडक्ट्स रिमूव करते हैं हमारी बॉडी से. स्किन है, स्किन रिमूव्स वेस्ट एज स्वेट और ऑयल या फिर सीबम. स्किन है जो हमारी, वो हमारी बॉडी से स्वेट की फॉर्म में सॉल्ट्स है, जो हमारा स्वेट होता है उसमें सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं. अगर हमारी बॉडी में हाई अमाउंट में सॉल्ट्स हो जाते हैं तो हमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है. ऐसे ही हमारी बॉडी में से स्किन के थ्रू ही सीबम भी रिमूव किया जाता है, जो थोड़ा ऑयली टाइप में होता है. ओके, लिवर, लिवर का मेन वर्क होता है डिटॉक्सिफिकेशन. हमारी बॉडी में जो सब्सटेंस हैं उनमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक प्रोड्यूस कर सकते हैं और उससे हमारे बॉडी को हार्म हो सकता है, तो उससे हमें लीवर प्रिवेंट करता है बाय कन्वर्टिंग अमाइनो एसिड्स अमोनिया इनटू यूरिया. ओके, यूरिया ऐसी फॉर्म है जो हमारी बॉडी में अगर स्टोर भी रहे थोड़ी देर के लिए तो वो हमें हार्म नहीं करेगी, बट अमाइनो एसिड्स एंड अमोनिया, अमोनिया का जो एक्यूमुलेशन है वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है. इसकी वजह से ब्रेन इंजरीज तक भी हो सकती हैं. नेक्स्ट है हमारा लंग्स. लंग्स हमने अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था, वहाँ हमने पढ़ा था कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, राइट. वहाँ पर ऑक्सीजन हमारे लिए यूज़फुल है तो हम उसको अंदर ले लेते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारी बॉडी में रहे तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है, तो उसको रिमूव करना लंग्स के थ्रू एज ए एक्सक्रीटरी ही वर्क करता है. ओके, फाइन. नेक्स्ट है आपका मेन ऑर्गन परफॉर्म द फंक्शन इज. जो मेन ऑर्गन है इस फंक्शन को परफॉर्म करता है वो है हमारी किडनी. किडनी हमारी, ए पेयर ऑफ किडनी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है एब्डोमिनल पार्ट में. ओके, ये ब्राउनिश कलर की होती है. इसके करेक्टरिस्टिक्स जो भी हैं वो सब हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हम सिर्फ इसके फंक्शंस के, हम इसके सिर्फ पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं. ओके, किडनी क्या कंसिस्ट करती है? नेफ्रॉन्स. किडनी में मिलियंस ऑफ नंबर नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. ये किडनी की फंक्शनल और फंडामेंटल यूनिट होती है. नेफ्रॉन के भी टू पार्ट्स होते हैं. नेफ्रॉन कंसिस्ट टू पार्ट्स एंड इट इज़ द बेसिक यूनिट और फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, एंड द टू पार्ट्स आर
फर्स्ट वन इज कॉर्टेक्स, सेकेंड वन इज मेड्यूला. कॉर्टेक्स इज द आउटर पार्ट एंड मेड्यूला इज द इनर पार्ट. वी हैव अ स्ट्रक्चर इन नेफ्रॉन दैट इज कॉल्ड बोमन कैप्स्यूल. द पार्ट विच कंटेन्स बोमन कैप्स्यूल इज कॉल्ड कॉर्टेक्स. क्योंकि जब जो आउटर पार्ट है हमारा वो बोमन कैप्सूल का बना हुआ होता है और कॉर्टेक्स हमारा आउटर पार्ट है, तो उसमें क्या प्रोमिनेंट अमाउंट में जिसमें बोमन कैप्सूल होता है वो हमारा कॉर्टेक्स होता है. ऐसे ही जिसमें प्रोमिनेंट अमाउंट में लूप ऑफ हेनले होता है वो हमारा मेडुला होता है और वो हमारे इनर पार्ट होती है. ठीक है, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि बोमन कैप्सूल है क्या. बोमन, वैसे तो बोमन कैप्सूल हमारा अपने आप में एक पार्ट है, बस एक ग्लोमेरुलस हमारा पार्ट होता है जिसमें हमारी बोमन कैप्सूल और डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट होती है. बट हम बोमन कैप्सूल को मेनली क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इसकी जो लेयर्स है वही फिल्ट्रेशन का मेन वर्क करती हैं. ओके, इट कंसिस्ट टू आर्ट्रियोल्स. बोमन कैप्सूल में टू आर्ट्रियोल्स होती हैं जो फिल्ट्रेशन के लिए हेल्प करती हैं. वो है, फर्स्ट होती है आपकी एफरेंट आर्ट्रियोल, सेकेंड होती है आपकी ईफरेंट आर्ट्रियोल. एफरेंट मीन्स, ए मीन्स आना. सो ये क्या करती है, ये ब्लड को किडनी तक लाती है. एफरेंट एट्रियोल है जो आपकी आर्ट्रियोल, वो ब्लड को किडनी तक लाती है. वहीं जो ईफरेंट आर्ट्रियोल है वो ब्लड को किडनी से बॉडी तक ले जाती है. फाइन, ईफरेंट हम इनके वर्ड से इन्हें रिलेट करके अच्छे से समझ सकते हैं कि ईफरेंट मीन्स एग्जिट, मीन्स किसी चीज़ का जाना. तो जो ब्लड का है वो आउट होना किसके थ्रू होता है, हमारे ईफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू. ओके, एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे मेन मेन पार्ट्स यही हैं. एंड आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट. थैंक यू.